दोस्तों, खर्राटे एक ऐसी समस्या है जिसमें आप से ज़्यादा आपके साथ आसपास सो रहे लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ भी ऐसी कि आपके खर्राटों की आवाज़ से दूसरे लोग सो तक नहीं पाते हैं। खर्राटों का शोर इतना तेज़ होता है कि उसकी वजह से गहरी नींद टूट जाती है। दोस्तों, खर्राटे लेना एक आम बात है। अक्सर आपने लोगों को खर्राटे लेते हुए सुना होगा। अधिकतर सबके घर में कोई ना कोई तो खर्राटे लेता ही है। वैसे तो खर्राटे एक आम परेशानी है, परंतु हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको बीमारी बनते समय देर नहीं लगती। जो व्यक्ति खर्राटे लेता है उसके साथ सोया हुआ इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खर्राटे होते क्या है या किन कारणों की वजह से आते हैं? क्या खर्राटे आने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? तो आइए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दे घंटे को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लेना, और आप वीडियो के नीचे दे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, सोते वक्त सांस लेने के साथ जब तेज आवाज़ और वाइब्रेशन होती है तो उसे हम खर्राटे कहते हैं। खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं। नाक या मुंह किसी से भी खर्राटों की आवाज़ आ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा थकान होने के कारण खर्राटे आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सोते समय सांस में रुकावट का होना खर्राटे लेने का मुख्य कारण है। जब मुंह और नाक के अंदर से हवा निकलने के रास्ते में रुकावट होती है या निकलने वाली जगह कम होती है, तब खर्राटे की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मुंह या नाक में हवा का बहाव कम होने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण यह है कि सर्दियों के दिनों में कुछ लोगों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं, या फिर साइंस के संक्रमण के दौरान भी आते हैं। नाक के अंदर निकले छोटे छोटे कणों के कारण भी वायुमार्ग में रुकावटें आ सकती है, तो उसी कारण आपको खर्राटे आ सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और उसमें मांस बढ़ जाता है, तब भी सांस लेने में प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से सांस लेने के साथ आवाज़ आती है और उसे हम खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि जब गले और जीभ की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण लटकने लगती है, तो रास्ते में रुकावट आ जाती है। ऐसा अधिक अल्कोहल या नींद की गोलियाँ लेने के कारण होता है। साथ ही उम्र के बढ़ने से भी मांसपेशियों पर फर्क पड़ता है, तो इसी कारण भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। चौथा कारण यह है कि अक्सर मोटापा बढ़ने से गले के ऊतकों का आकार बढ़ जाता है या गर्दन पर ज़्यादा मांस लटकने लगता है। लेटते वक्त एक्स्ट्रा मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिस कारण हमें खर्राटे आने लगते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। क्या आपको या फिर आपके घर में किसी को खर्राटे लेने की आदत है? यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और स्क्रीन पे जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वॉच जरूर कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।